Hello friends, I am Dr. Sandeep Banerjee, senior consultant and head of Department of Colorectal and Coloproctology, working in Apollo Spectra Kailash Colony, New Delhi. हर्निया की परेशानी, हर्निया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है और हर्निया क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है पर उन्हें बताया गया कि वो हर्निया है. शरीर में, हमारे शरीर में कहीं कहीं ऐसी जगह वीकनेस, डिफेक्ट होती हैं, स्पेशली हमारे शरीर के सामने पेट में, एब्डोमेन में और नीचे ग्रॉइंस में, जिस वीकनेस से अंदर का जो ग्रंथि है, अंदर की जो ऑर्गन्स है, जब वो बाहर आने की कोशिश करता है या बाहर आने को होता है बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस, तो हमें बाहर से एक बल्ज दिखता है, एक स्वेलिंग दिखती है जिसे हम हर्निया कहते हैं. सबसे आसान तरीका है इसको जानने का कि ये जो स्वेलिंग या बल्ज होता है, जब भी हमारे पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं या फिर कोई जोर लगा रहे होते हैं, तो ये स्वेलिंग बढ़ जाता है और ये फिर अपने आप लेटती वक्त या जब बॉडी रिलैक्स रहती है तब ये स्वेलिंग कम हो जाता है. इसी को हम हर्निया कहते हैं. नाउ हर्निया बहुत प्रकार के होते हैं. जो सबसे कॉमन हर्नियाज होते हैं उसे हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया, जो ग्रॉइंस में होती हैं और वो सबसे ज़्यादा कॉमन पुरुषों में पाया जाता है. दूसरी प्रकार की हर्निया जो कि पेट में होता है उसे हम एब्डोमिनल हर्निया कहते हैं और एब्डोमिनल हर्निया के भी काफ़ी प्रकार है. अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो, चीरा लगा के, उसमें से जो हर्निया बनता है उसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया, या फिर नाभि के पास हर्निया बनती है जिसे हमें वेंट्रल हर्निया कहते हैं. कुछ एक दो हर्निया और भी हैं जो कि बहुत बहुत कम पाए जाते हैं पॉपुलेशन में और वो रेयर प्रकार की हर्नियाज होती हैं. हर्निया एक बार जब भी आप में डायग्नोज होता है या आपको पाया जाता है, उनका सबसे अच्छा तरीका और एक ही तरीका यही है सर्जरी. सर्जरी बिना हर्निया की ट्रीटमेंट नहीं है. कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे हर्निया की स्वेलिंग गायब हो जाए या उसे दबा दिया जाए. हर्निया की ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी में हम लोग ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें कि जहाँ से जो डिफेक्ट बना है, जिस डिफेक्ट से अंदर की ग्रंथियाँ बाहर आ रही हैं, उस डिफेक्ट को हम ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं. कैसे? जो ग्रंथियाँ बाहर आ चुकी हैं या नहीं आई हैं जो भी, उसको हम पहले अंदर करते हैं और वो जो डिफेक्ट है उसमें हम जाली लगाते हैं. क्योंकि शरीर में इतनी प्रेशर बनती है कि अगर हम उस डिफेक्ट को सिर्फ क्लोज करें धागों से या स्टिच से, तो वो रुक नहीं पाती, वो खुल जाता है. इसीलिए हर्निया की ट्रीटमेंट मेश या जाली से ही सबसे अच्छा होता है. और आजकल के दिनों में इसमें और अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम एक दूरबीन से सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी करते हैं. ग्रॉइन हर्नियाज के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत अच्छा है, पर एब्डोमिनल हर्निया के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही द बेस्ट है. और उसमें ओपन सर्जरी का आजकल का वो पुराना हो गया है और हम नहीं करते हैं. दूरबीन से सर्जरी करने से हमें फ़ायदा ये है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन ना मात्र होता है और ये जो रिपेयर है वो पूरी तरह परमानेंट रिपेयर होता है. सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जहाँ भी हर्निया का रिपेयर हुआ है उसके बाद मरीज़ को ये सुझाव दिया जाता है कि 2 से 3 महीने तक कुछ परहेज रखें ताकि वो मेश जो है वो शरीर का हिस्सा बन जाए. एक बार मेश जो शरीर का हिस्सा बन जाए फिर उसके बाद वहाँ उस जगह पे कभी भी हर्निया दोबारा नहीं होती है. इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई परेशानी हो या हर्निया का कोई डाउट है तो आप ज़रूर एक आसपास के लैप्रोस्कोपिक सर्जन से विचार विमर्श कीजिए.